तो दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इस आईपीएल में कुछ नए नियम आए हैं, कुछ नए बदलाव हुए हैं, कुछ तो नियमों में बदलाव हुए हैं, साथ ही कुछ फीचर्स भी बदले गए हैं और दोस्तों इसमें कमेंट्री में भी कुछ बदलाव हुए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हाय गाइस, दिस इज कुशवाहा एंड यू वॉचिंग इन्फॉर्मेशन वॉरियर। तो दोस्तों पहला नियम है इम्पैक्ट प्लेयर। इसमें पहले होता क्या था कि आपका आपकी जो प्लेइंग 11 ही खेलती थी, लेकिन इसमें जो है 11 की जगह इस बार खेलेंगे 12 खिलाड़ी। 12 खिलाड़ी का से मतलब ये है कि आपके प्लेइंग 11 में 11 ही रहेंगे जो कि ग्राउंड में रहेंगे, लेकिन जो एक आपका जो खिलाड़ी है एक्स्ट्रा है उसको कभी भी आप मैच के दौरान एक्सचेंज कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, जो दोनों टीमों के कैप्टन है दोनों कैप्टनों को पांच पांच सब्स्टिट्यूट एम्पायर को देना पड़ेगा टॉस के बाद। और दोस्तों दूसरा नियम है कि पहले होता क्या था कि टॉस से पहले कैप्टन को अपने प्लेइंग 11 की डिटेल एम्पायर को देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह ऐसा नहीं है। टॉस होने के बाद सिचुएशन के हिसाब से कैप्टन अपनी प्लेइंग 11 आगे एम्पायर को देगा। तो दोस्तों तीसरा नियम है कि पहले कैप्टन जो डीआरएस का इस्तेमाल करता था आमतौर पे आउट के दौरान ही करता था, कि कैच आउट है या फिर एलपीडब्ल्यू, इन सब पे ही डीआरएस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है अब नो बॉल और वाइड बॉल के लिए भी डीआरएस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कैमरा एंगल ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, क्योंकि अब आपको जिस एंगल से मैच का आनंद लेना है आप उस एंगल से मैच को देख सकते हैं, चाहे पीछे स्टंप के कैमरे से देखें या फिर फ्रंट के कैमरे से देखें या फिर स्पाइडर कैमरा, जो आपको पसंद है वो आप कैमरा सेलेक्ट कीजिए और उसी कैमरे से आप मैच का आनंद लीजिए। ये एक नया इसमें ऐड हुआ है फीचर। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले दोस्तों कमेंट्री जो है हिंदी और इंग्लिश में आमतौर पे होती थी और साथ साथ तेलुगु और तमिल में भी कमेंट्री हो चुकी है, लेकिन इस बार हमारे भारत देश के अलग अलग 12 भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा, यानी कमेंट्री होगी अलग अलग 12 भाषाओं में। और जो मैंने सुनी, और दोस्तों इसमें जो भोजपुरी लैंग्वेज है, जो भोजपुरी कमेंट्री है, ये मुझे बेहद ही पसंद आई। वैसे तो सारी भाषाएं अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन भोजपुरी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई। खुद रवि किशन इस मैच की कमेंट्री करने आए। वैसे भाषाएं तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जो देसी अंदाज इन भोजपुरी वालों ने लगाया है भाई, मजा ही आ गया, बिल्कुल एकदम फुल पैसा वसूल। और इसके कुछ खास डायलॉग थे जो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आए, वो थे कि गेंद सट से अंदर घुस गई, किल्ला उखाड़ देला से, आलू चोखा भीज के चोखा बनी, और ये शॉट 100% चोखा बनी। तो दोस्तों इस तरीके कुछ जो जुमले कहे हैं या फिर जो डायलॉग डिलीवरी है इनकी, जिसको सुनकर के अंदर से एकदम आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, मजा ही आ जाता है। क्या आपको ये सारी जानकारियां पता थी? अगर पता थी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं पता थी तो आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सब जानकारियां पता चल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।